हेलो एवरीवन, अंकल आंटी किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम मूंग दाल कचौरी की रेसिपी बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस कप की सहायता से एक कप धुले मूंग की दाल ली है। इसे 3 बार अच्छे से धो लेंगे। देखिए, दाल अच्छी तरह से वॉश हो चुकी है। इसका जो पूरा स्टार्च निकल चुका है, अब इसे 1 घंटे के लिए रख देंगे। कचौरी का डो बनाने के लिए हमने इस कप की सहायता से 2 कप मैदा लिया है। इसे बाउल में डालेंगे। फिर इसमें 5 चम्मच मोन ऐड करेंगे। मोन ऐड करने के बाद स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसका सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। देखिए, डो तैयार हो चुका है। ये इतना सॉफ्ट होना चाहिए। अब इसे कपड़े से ढककर सेट होने के लिए 1 घंटा रख देंगे। कचौरी का मसाला बनाने के लिए हम एक नॉनस्टिक कढ़ाई लेंगे। उसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल हल्का गर्म हो चुका है। अब इसमें 1 चम्मच सौंफ डालेंगे। सौंफ के बाद 1 चम्मच खड़ा धना डालेंगे क्रश करके, और इसे अच्छे से मिलाएंगे। फिर इसमें 2 पिंच हींग डालेंगे। फिर अच्छे से भूनेंगे। अब इसमें दाल डालेंगे और दाल को अच्छे से पकाएंगे। दाल इतनी पक चुकी है, देखिए। अब इसमें हम हल्दी पाउडर 1 चम्मच ऐड करेंगे। फिर लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे 1 चम्मच। आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। चम्मच रोस्टेड कसूरी मेथी ऐड करेंगे। अच्छे से मिला लेंगे। आधी चम्मच कुटी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे। अब इसमें गरम तेल 5 चम्मच ऐड करेंगे। फिर 3 चम्मच बेसन ऐड करेंगे। अब ये मसाले को अच्छे से भूनेंगे, जिससे कचौरी का मसाला और टेस्टी बनेगा। मसाला हो चुका है। अब इसे और टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें 1 चम्मच चाट मसाला ऐड करेंगे। मसाला हो चुका है। दाल जो है वो इतनी पकी होना चाहिए। मसाला हो चुका है। अब हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे। यदि बॉल्स नहीं बने तो इसमें हल्का सा पानी छीटेंगे, फिर इसकी बॉल्स बनाएंगे। डो को रखे हुए 1 घंटा हो चुका है। अब इसे अच्छे से सेट करेंगे। डो को रोल करने के बाद इसके छोटे छोटे पेड़े काट लेंगे। अब हम कचौरी की स्टफिंग करेंगे और बाकी बचे हुए पेड़े पर हम कपड़ा ढक देंगे, जिससे उस पर परत ना बने। हम इस पेड़े को हाथों की सहायता से बड़ा करेंगे। फिर इसमें मसाले की बॉल्स रखेंगे और चारों तरफ से कवर कर लेंगे।
कवर होने के बाद इसके एक्स्ट्रा डो को निकाल लेंगे। कढ़ाई को गैस पर रखेंगे, फिर इसमें तेल डालेंगे। अब ये स्टफिंग बॉल को हथेली की सहायता से बड़ा करते जाएंगे, जिससे कचौरी का शेप आ जाएगा। और तेल में डिप कर देंगे। इसमें देखिए इतने बबल्स आने चाहिए और नीचे झारा रखा होना चाहिए, जिससे कचौरी पैनी में ना चिपके। लीजिए फ्रेंड्स, हमारी कचौरी बनके तैयार है। देखिए कितनी अच्छी बनी है। कितनी क्रिस्पी बनी है हमारी कचौरी। अंदर से मसाला भी सीख चुका है और कच्चापन बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।